आज की जो अपनी जर्नी है रहने वाली है जयपुर से लुधियाना। ये कोटा डिपो की आई हुई है चंडीगढ़ वाली गाड़ी, अपनी गाड़ी यहाँ पे है ही, और ये हरिद्वार वाली गाड़ी भी है जयपुर डिपो की। यहाँ पे आ रखी है चंडीगढ़ वाली गाड़ी, वही सेम बट डिफरेंट है ना। बाकी देख लीजिए, बस स्टैंड जो मेन है वो यहाँ पर है, ये रहा है ना। अभी ये लोग ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी क्योंकि इनको भी रेस्ट करनी। तो स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की जो अपनी जर्नी है रहने वाली है जयपुर से लुधियाना। जयपुर से लुधियाना जो है, आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि इस रूट पर जर्नी बनाइए, तो मैं उससे बना लेते एक जर्नी। और अभी मैं आपके लिए आज लुधियाना वाली गाड़ी कवर कर रहा हूँ, हफ्ते दो हफ्ते बाद आपके लिए चंडीगढ़ वाली गाड़ी भी कवर कर देंगे, सेमी डिलक्स वाली है ना। अभी दोनों गाड़ियाँ जो BS6 हो चुकी है तो इस वजह से आपके लिए अच्छी सुविधा है, मैं उससे कवर कर लेते हैं। अभी देख लीजिए, मैं यहाँ पे हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 के यहाँ पे, और मेरी गाड़ी जो है वहाँ पे लगेगी, मतलब बिल्कुल उधर। तो मैं क्या है ना, इधर आ गया था क्योंकि क्या है ना, इधर रोशनी भी अच्छी है और दूसरा थोड़ा मतलब गाड़ियाँ भी कम आ रही है यहाँ पे, तो क्या है ना पीसफुली वीडियो बना पाऊँगा, नहीं तो क्या है ना दिक्कत होती है। तो पर बताऊँगा आपको इस वीडियो में कैसा रूट है अपना, कैसा कम्फर्ट है गाड़ी के अंदर, क्या क्या सुविधाएँ मिलती है अपनी गाड़ी के अंदर। चलिए करते हैं अपन जर्नी को स्टार्ट। सबसे पहले बस देख लीजिए आप लोग, बस जो है सेम ही जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। देख लीजिए बोर्ड लगा हुआ है, जयपुर से लुधियाना वाया दिल्ली पानीपत अंबाला है ना। बाकी BS6 की बैजिंग हो रखी है, और देख लीजिए ऊपर रोड बोर्ड चल रहा है जिस पर लिखा हुआ है वेलकम टू RSRTC जयपुर डिपो की बैजिंग। आपको वॉकआउट दे देता हूँ, हालांकि थोड़ी सी यहाँ जगह कम है। देख लीजिए राजस्थान परिवहन निगम की बैजिंग, वेबसाइट वगैरह सबको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। लोगो लगा हुआ है, स्टार्ट लाइन की बैजिंग, इमरजेंसी एग्जिट, और देख लीजिए पीछे से सब कुछ सेम जैसा मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम। तो अंदर से भी देख लीजिए आप लोग, अशोक लेलैंड की बसेस जैसा बताया आपको। और देख लीजिए इंटीरियर, वही 2x2 पुशबैक सीट्स मिलती है अपने को। देख लीजिए ऐसा कुछ है, मेरी सीट जो ये वाली है क्योंकि ये और ये वाली ब्लॉक रहती है। आपको पीछे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, वही देख लीजिए ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट मिलता है अपने को। बाकी आपका जो मेन लगेज है सूटकेस वगैरह, वो नीचे डिक्की में रख सकते हैं आप लोग। देख लीजिए सीट्स सब कुछ अच्छी खासी है, इसको मतलब पुश बैक करके आप आराम से बैठ सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे मिलता है जो कि मैंने कुछ चालू कर दिखाया था लास्ट टाइम। और देख लीजिए अच्छा खासा ऐसे इंटीरियर अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, इस बस का जो मेन मोटो है वो ये है कि जो 2x3 बसेज है उससे थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा कम्फर्ट देना है, क्योंकि इसमें पुश बैक सीट्स मिलती है अपने को, थोड़ा सा मतलब कम्फर्ट ज़्यादा मिलता है। तो हाँ, जो आप मतलब पे कर रहे हैं, जो भी मतलब नॉर्मल बसेस रहती है इस रूट पे, उससे 25-30 रुपये या 50 रुपये ज़्यादा देके आप इस बस में जा सकते हो, तो ये कंसेप्ट रहता है इसका। मेरे जो है राइट हैंड में इंजरी हो रही है, इस वजह थोड़ा सा वीडियो शेकी आ रहा होगा, तो मैं इस वजह से लेफ्ट हैंड से बना रहा हूँ है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी अभी टाइम हो रहा है लगभग, दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए 9 बज चुके हैं, तो बस 9:30 बजे निकलेंगे अपन। 9:25 का टाइम है इसका, निकलेंगे अपन। करता हूँ आपसे और बातें चलते चलते, देखते रहिए आप लोग। बाकी ये देख लीजिए, ये निकल रही है जयपुर डिपो की, जयपुर से रामपुर वाली गाड़ी, स्लीपर गाड़ी। देख लीजिए बढ़िया, जैसे मैंने आपको दिखा रखी है बहुत ज़्यादा। Yeah.
और जी अभी अपना आ चुका है एक 20 मिनट का होल्ड टाइम, देख लीजिए आप लोग, लगभग हो रहे हैं रात के 12:08। और देख लीजिए यहाँ पे होल्ट आया है, ये जो है मतलब ऐसा अनुबंधित वाला ही है, ये देख लीजिए रामपुर वाली गाड़ी है। भाई साहब ये गाड़ी ज़रूर कवर करूँगा मैं, बहुत बढ़िया रूट है। आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे ज़रूर कवर करूँगा ये, बस थोड़ा टाइम मिले जैसे से। देखिए जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे वैसे मैं RSRTC की वीडियोज़ बना रहा हूँ, सारी वीडियोज़ RSRTC की बना सकता, क्योंकि क्या है ना, देखिए अभी 7K सब्सक्राइबर पे हूँ खाली, और मुझे अपना खुद का मतलब चलाना है काम यार, ऐसा नहीं होना कि खाली सब स्पेंड कर दो और फिर खुद बैंकक्रप्ट हो जाऊँ। तो आप लोग को पता है जैसे स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है और वीडियो तक कमाती नहीं है आपको पता हो तो बस इस वजह से मैं क्या धीरे धीरे जो भी हो पाता है मैनेज वो करता हूँ, है ना। बाकी देख लीजिए बस अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए है ना, जर्नी अच्छी खासी चल रही है अभी। और भाई साहब गाड़ी तो बढ़िया है, बट आज भीड़ बहुत ज़्यादा है गाड़ी के अंदर, क्यों? क्योंकि अभी जो है केला देवी का मेला चल रहा है, तो इस वजह से सारी गाड़ियाँ जो है उस साइड लगी हुई मोस्टली, जो मतलब दिल्ली साइड की भी हो गई, क्योंकि क्या है ना उस साइड बहुत ज़्यादा भीड़ जाती है अभी, तो इस वजह से वहाँ पे गई हुई गाड़ियाँ। बात करें फेयर की, तो फेयर रहता है जयपुर से लुधियाना का लगभग मेरा जो लगा है 705 रुपये, और ये अगर आप लोग लेडीज़ हैं तो आपका लग गया 615 रुपये, क्योंकि जो 50% ऑफ है वो खाली बॉर्डर्स के अंदर रहता है, तो खाली जितना ऑफ हो पा रहा है वही करेंगे। बाकी देख लीजिए रेस्टोरेंट यहाँ पे है हरी ओम ढाबा, जितनी भी RSRTC बसेस सब यहाँ पे आके रुकती है, ये तो निकल रही है अभी, आपको दिखाता हूँ उस साइड जो खड़ी हुई है, एक ही खड़ी है अभी, अभी नागौर डिपो की अभी भी गई है एक यहाँ पे खड़ी हुई है मेरे ख्याल से सीकर डिपो। तो हाँ देखता हूँ कैसे रेस्टॉप है, फिर बात करता हूँ आपसे, देखते रहिए आप लोग। और जी हो चुका है अपना खाना पीना, मुझे जो स्टाफ ने बुला लिया था अपने साथ खाना खाने के लिए, तो उनके साथ खाना खा लेता, सेव टमाटर दाल मखानी और साथ में रोटी और छाछ, बढ़िया राजस्थानी खाना, और मज़ा आ गया खाना खा के। और रेस्टॉप भी अच्छा है, इस वजह से नहीं कि मैं यहाँ पे मतलब खाना मुफ्त में खा के आया हूँ, क्योंकि मैं देख के बता रहा हूँ वॉशरूम जो है डिसेंट है, मतलब वॉशरूम ज़्यादा अच्छे नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ मतलब अच्छे ठीक ठाक है भाई, खाना पीना अच्छा लगा मुझे और रेट्स भी ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए गजराज की जा रही है वॉल्वो, तो हाँ बाकी यहाँ पे देख लीजिए ये कोटा डिपो की आई हुई है चंडीगढ़ वाली गाड़ी, अपनी गाड़ी यहाँ पे है ही, और ये हरिद्वार वाली गाड़ी भी है जयपुर डिपो की, है ना। तो आप लोग में से अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि गाड़ी कवर करो हरिद्वार वाली, तो अभी करूँगा धीरे धीरे, जैसे जैसे देखिए मैनेज हो पा रहा है मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ RSRTC कवर, है ना। बाकी बात करें बुकिंग के लिए, तो बुकिंग के लिए आप लोग या तो हैंड टू हैंड ले सकते हैं, ऑल दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है एडवांस बुकिंग करेंगे तो बेटर रहेगा, दो तीन चीज़ें होगी उससे, एक तो आपकी सीट जो है पहले रिजर्व हो जाएगी, जिससे आपको मतलब बार बार ये झंझट ही खत्म होगी कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब झंझट खत्म हो जाएगी। दूसरा इससे ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग अगर एक दो दिन पहले एडवांस बुकिंग करते हैं थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है, तो हाँ पैसे बचाने तो ऑफकोर्स भाई आपको मतलब इसका पहले बुकिंग करनी चाहिए, है ना। बाकी एक चीज़ जो है मैं प्राउडली बोलता हूँ RSRTC के बारे में, RSRTC जो है मतलब उन गिनी चुनी RTCs में से है जो कि अपने ऑनलाइन बुकिंग में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देती है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली और बस आई नहीं आई आपको पता ही नहीं है, या आप लोग खड़े हैं परेशान हो रहे, ऐसा कुछ नहीं होएगा, ये बात ही गारंटी मैं लेता हूँ। आपने बुकिंग करी अगर ऑनलाइन तो बस आएगी वहाँ पे, अगर नहीं आएगी इनके समझ लीजिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस में समझ लीजिए नहीं आ रही गाड़ी वहाँ पे, आपको रिफंड मिलेगा जिस भी आपसे ऐप से आपने बुक करा है, चाहे RSRTC की वेबसाइट से बुक करा है या मतलब ऐप से बुक करा है, रिफंड आएगा आपके पास अगर, वैसे कैंसिलेशन रहता नहीं पर बता रहा हूँ आपको। बाकी कंटिन्यू करो जर्नी को अभी अपन, और मैं मिलता हूँ आपसे दिल्ली में, देखते रहिए आप लोग। अभी हो रहे हैं लगभग रात के 3:30, और हम लोग आ चुके हैं कश्मीरी गेट,
दिल्ली में। और देख लीजिए लगभग अभी अपने साथ टाइम लग चुका क्योंकि क्या ट्रैफिक था, इस वजह से अभी बस जो है ISBT के अंदर नहीं गई क्योंकि क्या है ना फालतू टाइम वेस्ट होएगा, बस यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप करके निकल रहे हैं हम लोग। मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कैबिनेट आपको थोड़ा देख ही दिखाऊंगा, अभी देखते रहिए आप लोग। और जी अभी हो रहे हैं लगभग सुबह के 7 और हम लोग आके रुके हैं अपने ब्रेकफास्ट हॉल्ट पे। और देख लीजिए यहाँ पे आ रखी है चंडीगढ़ वाली गाड़ी, वही सेम बट डिफरेंट है ना, अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो बस ये अपने से पहले आई थी, अभी निकल जाएगी थोड़ी देर में ये। और देख लीजिए इसको भी थोड़ी देर में कवर करूँगा मैं, अभी रिटर्न में तो किसी और गाड़ी में आऊँगा बट हाँ थोड़ी देर में कवर करूँगा, जैसे मैं बताया आपको मैंने साथ में कवर करते तो थोड़ा सा व्यूज़ का इफेक्ट पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा अलग से कवर करूँगा है ना। हॉल्ट जो अच्छा है, मैं यहाँ पे अभी कुछ चाय वगैरह पी लूँगा, ज़्यादा कुछ खाने पीने का मन तो नहीं है, वॉशरूम्स वगैरह सही बने हुए हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सच है ना। बाकी देख लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ है, मेरे ख्याल से हम लोग पानीपत से निकल के रुके हैं है ना। चलिए करता हूँ आपसे बात क्योंकि क्या ना मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था, तो इस वजह से हो सकता है कि बस का निकलने का टाइम हो जाए, थोड़ा चाय वगैरह पी लेता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। देख लीजिए ये जो बस स्टैंड है ये ग्रामीण बस स्टैंड है, अभी गांव के लिए जो गाड़ियाँ लगती है वो यहाँ पे लगती है लुधियाना में, और जो अपना मतलब जहाँ पे अपन जा रहे हैं अभी वो मेन बस स्टैंड, जैसे आपको गाड़ी मिलेगी तो कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूंगा अभी आपको सब।
और जी आ चुके अपन लोग लुधियाना। टाइम अभी हो रहा है लगभग कुछ 10:45 है ना, 10 बजे का टाइम है यहाँ का। बट लेट इस वजह से हो गया ना क्योंकि क्या है ना, अपने को तो है मतलब जो रास्ता नॉर्मली है वो वाया जीरकपुर नहीं होता, बट अपने को वाया जीरकपुर के आना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस वजह से अब कोई ना कोई रास्ता तो बनाना पड़ेगा, तो इस वजह से वहाँ से होकर आते हैं, तो 1 घंटा उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है। बाकी देख लीजिए, बस स्टैंड जो मेन है वो यहाँ पर है, ये रहा है ना। अभी ये लोग ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी क्योंकि भाई इनको भी रेस्ट करना है, और जो ग्रामीण बस स्टैंड बता रहा था मैं आपको वो यहाँ पर है। ये देख लीजिए, एयरपोर्ट के लिए निकल रही है पन बस है ना। और आपके छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, आप मुझे बता दीजिए कि पन बस और PRTC दोनों में क्या डिफरेंस है ना, तो बताइएगा मुझे। यहाँ पे सारी पन बस देख लीजिए, PRTC एक भी नहीं है, तो बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट्स में। बाकी आपको स्टाफ से मिलाता हूँ, अपने स्टाफ भाई साहब दोनों ही अच्छे हैं, और मिलाता हूँ आपको अभी ये अपने कंडक्टर साहब जी। भाई साहब का नाम क्या है? दीपक चारण। और आप कब से हैं RSRTC में? RSRTC में हूँ 22 साल से। 22 साल से, अच्छा। और इस रूट पर कब से हैं? 6 साल से चल रहा हूँ। बाकी अपने ड्राइवर साहब से मिल लीजिए। जी भाई साहब का नाम बता दीजिए। मेरा नाम डालू राम है साहब। और आप कब से हैं RSRTC में? मैं लगभग ये जब से गाड़ी चली है स्टार लाइन 8-9 महीने हो गए लगभग। अच्छा 8-9 महीने हो गए, आप इसी रूट पे चल रहे हैं आप। अच्छा एक चीज बता रही थी मुझे, अपना वापसी का टाइमिंग क्या है यहाँ से लुधियाना से? अपना टाइमिंग है 6:20 का। 6:20 का शाम को, ठीक है। देख लीजिए, ये दोनों स्टाफ रहते हैं गाड़ी के अंदर, एक कंडक्टर साहब हो गए और एक ड्राइवर साहब हो गए। एक बार आपसे बाहर जाके बात कर लेता हूँ। और हाँ जी, तो डिटेल मैंने आपको दे दी है, और बस जो है आप लोग ट्राई कर सकते हैं, खास करके अगर आप लोग पंजाब से, जो मेरे भाई लोग पंजाब से देख रहे हैं, जो लोग एयरपोर्ट से आते हैं वो लोग भी इस बस को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से लुधियाना तक का किराया इसमें कुछ 400 रुपये लगभग है। एयरपोर्ट से मतलब कि महिपालपुर साइड से, तो आप वहाँ से भी इस बस में आ सकते हैं, मतलब मिडनाइट में बस आती है आराम से, इसकी अच्छी सुविधा आपके लिए, आप सुबह सुबह पहुँच जाएंगे। अगर आपको मतलब वॉल्वो वगैरह में खर्चा नहीं करना फालतू 1000 रुपये का, तो इसमें आ सकते हैं, बढ़िया सुविधा आपके लिए, और गाड़ी भी बढ़िया बनी हुई 70 लक्स बस है, आराम से आपको नींद आ जाएगी है ना। वाया पानीपत अम्बाला होकर गाड़ी आती है जैसे बताया मैंने आपको, तो सुविधा सारी अच्छी है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट्स में कौन सी रूट्स पर और जर्नी देखनी है, और थोड़ा सपोर्ट करिए लाइक और शेयर करके, ताकि क्या है थोड़ा सा और मैं आपके लिए वीडियोस धीरे धीरे बना पाऊँ, क्योंकि है ना मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आज की वीडियो थोड़ी सी शेकी रही हो क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा सही नहीं है अभी, पर हाँ थोड़ा मैनेज करिएगा। करता हूँ इस वीडियो को एंड, आप लोग कैसा लगा वीडियो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, क्या बेटर सकता है, शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं और सी वीडियोस ला सकूँ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।